कि उस लड़ाई को आज देश में अगर कोई लड़ रहा है तो एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें तन मन धन से उस सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन में इन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध होना है। यही तमन्ना और आप लोगों का स्वामित्व हमें मिलेगा इसी वादे के साथ। मैं आपसे बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की मुझे यहाँ काम सौंपा है पंजाब प्रदेश में, तो इसलिए पंजाब प्रदेश की तरफ से भी मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपसे विदा चाहूंगा। जय भीम जय भारत। सोहन साढ़े विचकार साहब कांछी राम जी के छोटे भैन भैन सवंत कौर जी, उन्होंने क्योंकि मानयोग चंद्रशेखर एडवोकेट आजाद साहब जी ने उन्होंने सानू कहा कि वो साडे बड़े हैं, सत्कारयोग हैं, साहब कांछी राम जी के भैन जी हैं और वो मेरे तो बाद जिहड़ा वो तुहानू मुखातब होणगे। सो हुण तुहाडे सामने करोड़ों दिलों की धड़कन, जिस तरह मैं कहा सी कि 100 करोड़ लोगों की अगवाई दे विच अज बहुजन समाज की मुख धारा के रूप दे विच उभर रहे नैशनल नहीं इंटरनैशनल जिहड़े अज फिगर बन चुके आ पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह साहब कांछी राम जी के बल जिहड़ी दुनिया पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा सी टिकटकी लगा के कि इस देश के अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है, लेकिन अभागा समा कह सकते हैं कि वह साहब कांछी राम जी साडे विच जिहड़ा है वह ज्यादा समा जिहड़ा साडे विच शरीक तौर पर नहीं रहे। अज उन्होंने नक्शे कदम के उत्ते चलते हुए चंद्रशेखर आजाद जी अज गुरु रविदास महाराज जी ने इस मुकदस दरबार के नतमस्तक हुए हैं और मैं ये गल दोहरा रहा फिर कि यह दरबार, मैं ये गल कही सी कि यह दरबार जिथों सरकार बनिया करेगी और इथों ही सरकार उल्टी होया करेगी। ये चीज जिहड़ी आ वो साबित जिहड़ी आ हो चुकी है। सो इस करके मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के अगे जिहड़ा अरदास करदा कि इस देश का जिहड़ा बहुजन समाज है जिहड़ा लताड़िया होया समाज है अज वो जल्दी इस देश दे विच नौजवान साथी दे रूप दे विच प्रधानमंत्री दे रूप दे विच मानयोग चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट जी नूं दिखना चाहुंदा है। बहुजन समाज अज वो तुहाडे विचकार है, ये समा जिंदगी दे विच बार बार नहीं मिलता, फिर तरसिया करोगे, फिर तरसिया करोगे समय के लिए एक दिख एक झलक पाउण दे लई अज वो तुहाडे विचकार। लो मैं हुण बेनती करदा मानयोग चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट प्रधान आजाद समाज पार्टी भारत संस्थापक भी मारवी और तुहानू मुबारकबाद देण दे लई वो तुहाडे विच सरमुख हो रहे हैं और अपनी जी नैशनल पॉलिसी के उत्ते जिहड़ा अपने विचार तुहाडे नाल जिहड़े आ वो देण दे लई तुहाडे मुखातब हो रहे हैं और उन्होंने स्वागत के विच मैं पंज जकारे लावांगा। पंज जो बोले सो नरपै, जो बोले सो नरपै, जो बोले सो नरपै, जो बोले सो नरपै, जो बोले मानयोग चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट साहब करोड़ों दिलों की धड़कन तुहानू मुखातब होणगे। मानयोग चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट साहब जय भीम,
जय भारत, जय संविधान, जय देव। सर्दी है, मैं समझ सकता हूँ खून ठंडा पड़ गया होगा, मान लो हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो बहुत तेजी से आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत तेजी से डिस्टर्ब मत करो। चलो मेरी आवाज आ जाएगी, अब बाद में देख लेना, आज जो है सुन लो। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं यहां की कमेटी का, उस पूरी कमेटी का जिसने इतना अच्छा आयोजन किया। और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे हिमाचल से यहां पहुंचे हमारे नौजवान साथी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार लोग, हमारी माताएं बहने, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, पंजाब से जो लोग यहां पहुंचे उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे पंजाब के भीम आर्मी के प्रधान, आजाद समाज पार्टी के प्रधान मानजोर अहमद तोमर साहब, इस आंदोलन को जिसकी वजह से आज हम यहां खड़े हैं, और ये दिन जो है मेरे जीवन का भी ऐतिहासिक दिन है। और मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुनेंगे, नौजवान जो है उनको भी अच्छा लगेगा मुझे सुनने के बाद, ये भी मुझे भरोसा है हिमाचल की धरती में। बड़ी कुर्बानी जिस आंदोलन में दी गई है, वो 113 लोग जिसमें हमारी माताएं बहनें भी थी, हमारे नाबालिग छोटे भाई भी थे, बच्चे भी थे, हमारे 70 के गरीब जो है जिम्मेदार, हमारे बड़े, हमारे जो है ताऊ चाचा रहे हैं, और सिंगारा राम सुपड़ा जी हमारे बड़े भाई भी, और हमारे पंजाब के जो हैं, जो चेहरे हैं पंजाब के, जो हमारे नेता हैं, जिनकी वजह से आज ये दिन हमें देखने को मिला। नाम तो बहुत सारे हैं, वो लूंगा तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि समय भी काफी हो गया है और मैं आपकी जिम्मेदारियों को समझता हूं। तो मैं अगले 15 मिनट आपसे बात करूंगा, और मैं चाहूंगा जो नौजवान है ना पंजाब हिमाचल के, वो मुझे सुने, जरूर सुने। ये फोन आपके पास रहेगा, ये फोन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे सुनने मिस कर जाओगे, बाद में वीडियो से कुछ नहीं होगा। वीडियो में तो बाबा साहब की बहुत सारी बातें पड़ी हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। यहां आंख मिला के मुझे सुनो, फिर हम हमारी बात का जो है ना, हमारे वहां से यहां आने का जो मकसद है वो भी हल हो जाएगा। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, हमारे कुलगुरु, हमारे रहबर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कवि। और आज मैं, क्योंकि इसमें समय नहीं हुआ, पूरा अपना खराब करूंगा, आज जो सारा समय है वो आपसे बात करने में जाएगा, तो परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर और उनके मूवमेंट को आगे चल लेके जाने वाले, अपने जीवन को इस समाज के नाम समर्पित कर देने वाले मेरे रहबर, मेरे गुरु माननीय साहब श्री काशीनाथ। जिसका गुरु नहीं होता ना, उसके पास रास्ता ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने माननीय काशीराम साहब को अपना गुरु माना, और यहां आजाद समाज पार्टी के संरक्षक जो है हमारी बुआ जी माननीय काशीराम साहब की छोटी बहन, जिनका, जिस परिवार का ऋण है पूरे बहुजन समाज पे, एक ऐसा ऋण है, एक ऐसा उधार जिसको चुकाना मुझे लगता है संभव नहीं है। तो जितना भी हम उस काम को आगे बढ़ा पाए जिसको काशीराम चाहते थे, यही हमारा जो है उस परिवार के प्रति जो है प्यार, समर्पण, या कुछ भी आप उसे क्या लीजिए। ये कहां से आ गया, पीछे हटा दो, देखो चोट मत खा लेना कोई, देखो चोट मत खा लेना, चला गया, चले ठीक है, देख लीजिए आराम से। देखो इसमें भी जोश आ गया, अगर इसमें जोश आ सकता है तो नौजवानों में क्यों नहीं आ सकता, बताओ। देखो हमारी बात सुन के उसमें तो जोश आ गया है, और ये जो नौजवान है अगर इसमें जोश में आए तो फिर क्या फायदा हमारी बात का, समझ रहे ना। देखो कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
और सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं इतनी कम उम्र में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदेशों में जाने वाला और अपने लोगों से रूबरू होने वाला पहला व्यक्ति होगा जितने लोग यहां। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं और जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत जरूरी है सुनना। पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, असम हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या पूरे देश का कोई भी कोना। और जब हम वहां जाते हैं तो समझिए इतना बड़ा समाज है दलित समाज, जो जातियों में तो बहुत सारी बटाव है लेकिन उसको जो है उनकी पहचान है शेड्यूल का अनुसूचित जाति। और कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो लोग नहीं रहते। मुझे नहीं पता था हिमाचल से मैं कई बार गुजरा कि हिमाचल में इतने बड़े पैमाने पर रहते हैं। मैं जब पूरे देश में घूमता हूं तो तमाम तरह की परेशानियों को देखता हूं और ऐसा नहीं है कि हमने हिमाचल में चर्चा नहीं की। हमने हिमाचल में खूब चर्चा की लेकिन ये जो देख रहे हैं ना आप ये इसलिए है कि यहां कुर्बानियां दी गई। अगर संघर्ष ना किया जाता, लोगों ने हिम्मत ना जुटाई होती, लड़े ना होते तो शायद आज ये नहीं होता। ये नहीं होता तो क्या हम लोग यहां होते? बिल्कुल नहीं। अभी परसों मेरे पास फोन आया तो मुझे कहा कि भाई दिल्ली में एक हमारा गुलघर तोड़ा गया था, पंजाब और हिमाचल के लोगों को याद है या नहीं बताओ, है या नहीं है? 67 दिन जेल में रहे हम लोग, उसमें 97 लोग, लगभग इतने लोग जितने यहां पर। खूब लाठियां खाई, खूब मुसीबतें झेली लेकिन एक ही समझना था, क्या समझना कि जो हमारा छीन लिया गया, जो हमारा अपमान किया गया वो अपमान वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, समझ रहे? तो मुझे फोन आया कि 27 तारीख को जब गुरु जी की जयंती जो है अब आ रही है उस दिन वो गेट खुलेगा, मंदिर का निर्माण कार्य वहां शुरू होगा, भैया आप आना। तो मैंने कहा कि देखो वो आंदोलन अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए था और हम लोगों ने इससे लड़ा कि हमने वादा किया है कि कभी भी अपने लोगों का मान सम्मान कमजोर नहीं पड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे, ना झुकने देंगे और ना ही किसी को इजाजत है कि कोई हमारे लोगों को सता सके। ये याद किसी को नहीं है पूरे देश में। तो मैंने उनसे कहा कि ये काम तो आप भी कर लोगे, मेरी बहुत सारी जगह ड्यूटियां लगी हुई है क्योंकि मुझे बाबा साहब अंबेडकर और माननीय साहब काशीराम साहब के मिशन को पूरा करना है, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के मिशन को पूरा करना है। भाषाएं बदल जाती हैं, रंग बदल जाते हैं, कल बदल जाते हैं लेकिन इतनी बड़ी आबादी है आपकी कि आपके लोगों का जो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में जो आबादी है वो सबसे ज्यादा, पूरे देश में अगर किसी की सबसे ज्यादा आबादी है तो वो आपकी। लेकिन कड़वी और सच्ची बात यह है कि जिनका राज नहीं होता ना उनका धर्म भी नहीं होता, जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता, जिनका दल नहीं होता उनका कोई बल नहीं होता, उनका कोई फल नहीं होता, जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता। देखो मैं ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे सब लोग कहते हैं कि नहीं करोड़ों हजारों, मैं तो ये कह रहा हूं मैं तो आपका खून हूं, जो बड़े हैं उनसे छोटा भाई, जो और बड़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं उनका बच्चा, अपनी बहनों का ईमानदार भाई और अपनी माताओं का खून उनका बेटा। और आज इस गुरु घर के सामने खड़े होकर संकल्प ले रहा हूं कि जीवन के आखिरी क्षण तक अपने महापुरुषों के आंदोलन को, उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए अपने खून का एक क्षण लगा दूंगा लेकिन कभी आपका मान नहीं बिगड़ेगा। मुझे बताया गया कि यार हमारे लोग यहां डर के थोड़ा सा रहते हैं, काहे को देखो डरते तो हम हैं लेकिन बुराई करने से, बुरा बोलने से, किसी को सताने से, किसी का कुछ लूटने से, किसी का कुछ छीनने से, किसी की किसी बहन का अपमान करने से और किसी कोई भी तरह का न्याय अत्याचार जो जाते होते हुए देखने से डरते हैं।
और डरते हैं तो अपने गुरुओं से, महापुरुषों से, इंसानों से नहीं डरते हैं साहब। ना किसी सरकार से डरते हैं, ना किसी माफिया से डरते हैं, ना किसी सिस्टम से डरते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा था, पूरे देश में जब दिल्ली में गुरुघर तोड़ा गया तो पता भी नहीं लगा था उमर साहब कहां कहां से लोग आए, पंजाब से, राजस्थान से, असम से, बिहार से, बंगाल से। लोकतंत्र इसलिए बना था, देखो गौर करना, ये तो मैंने आपके आंदोलन की, आपकी ताकत की बात बताई, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र में जो व्यवस्था किया ना संविधान में, लोकतंत्र ये इसलिए बना था कि जो आबादी अधिकारों से वंचित है उनको अधिकार कैसे दिए जाए। क्योंकि गौर करो, जब भारत आजाद हुआ तो पावर जिनके पास थी ना अंग्रेजों के पास, उनसे दूसरे लोगों पर ट्रांसफर हो गई, बंटवारा किसी चीज का नहीं हुआ, ना तो धन बटा, ना धरती बटी, ना बिजनेस बटा, ना ही कुछ और बटा। तो हम तब भी जो हैं अपने संघर्ष के बल दम पे थे, यहां राज्य अपने संघर्ष के दम पे हैं, लेकिन हमारे गुरुओं महापुरुषों ने हमें ये नहीं सिखाया। हम लोग रोज उनके सब उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, ऐसा चाहूं द्वार में जो मिले सब अनुमन, और छोट बड़े सत्संग रहे रहे रविदास प्रसंग। तुम कहां चल रहे हो उस रास्ते पे? उनसे उम्मीदें कर रहे हो जिन्होंने तुम पे इतने लंबे समय तक गुलामी थोप के रखी, उनसे उम्मीदें कर रहे हो जिन्होंने यहां हमारी बहनों को सताया, इस सिस्टम को, पुलिस को, तमाम तरह के लोगों को यूज करके हमारी माताओं को, बहनों को लाके मारे, हमारे को जेल में जाके बंद कर दिया। उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारे हित के काम करेंगे? अरे तुम, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग इसलिए यहां शरण करके रहते छिपके कि तुम्हें लगता है कोई तुम्हें सता देगा। जाओ, मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि जाओ, तुम खुल के अपने घरों में लिखो, मैं देखता हूं कौन तुम्हारा बाल बाबा करता है। अगर किसी व्यक्ति की तरफ यहां आग उठेगी तो यहां इतने सर दिखाई देंगे, इतने लोग दिखाई देंगे, यहां की सरकार जो है वो घुटनों पर आ जाएगी एक दिन में, याद रखना मेरी बात। जिंदा कौम है हम, जिंदा कौम है हम, मुर्दा नहीं है, और अपने दम पे है यार। मैंने कहा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। जब से लेके देखो, जब से हमारा राज गया है तब से लेके आज तक हमेशा हमारे खिलाफ साजिशें हुई, हमें रोकने का प्रयास किया था, हमें डराने का, धमकाने का, हमें सताने का प्रयास किया, हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया गया, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। और जिंदा इसलिए हैं कि हमारे गुरुओं ने हमें बल दिया, गुरु नानक देव और तमाम 10 गुरु हमारे, आप देखिए कुर्बानियां दी, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिल के हेत, और पुर्जा पुर्जा कट मारे कभी ना छाड़े थे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पता नहीं किस वजह से आप अपना बल खो बैठे हो। आपको लगता है आप कमजोर, कौन कहता है कमजोर है? वही दिमाग, वही बुद्धि, वही तन, वही शरीर, वही रोटी तुम लोग खाते हो, दूसरे खाते हैं, उनमें जोड़ने के लिए आपको क्यों नहीं जोड़ पाते? देखो मैं ये यहां कहने आया हूं आपसे, जब जंगल में आग लगती है ना, नौजवान सुन लें, जब जंगल में आग लगती है तो बचने के लिए अगर कोई ऊंची जगह हो तो चाहे वो किसी का कितना बड़ा दुश्मन हो, उदाहरण के तौर पे जैसे सांप और नेवला, जैसे बकरी और शेर, जैसे चूहा और बिल्ली और तमाम लोग क्या करते हैं, अपनी जान बचाने को ये उसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं जो पेड़ ऊंचा होता है जहां उनकी जान बचती है। जब ये तुम्हारे खिलाफ इतनी साजिशें हो रही हैं जहां संविधान को खतरा है, तुम लोग क्यों एक नहीं हो रहे? बड़े सोचने का विषय। मेरी जिंदाबाद करने से, मेरे नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने हिस्से की लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी, और अगर आप नहीं लड़ोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब गुलामी दोबारा से आ जाएगी। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, तिरप नौजवानों से, कि हमारे बड़ों ने तो जैसा समय था गुजार लिया, तुम वो दिन देखना पसंद करोगे कि जब तुम्हें फिर वो गुलामी का जीवन जीना पड़े, जब हमें अपनी बहनों का तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़े, जब हमें यहां मूछें रखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मकान बनाने के लिए, संपत्ति रखने के लिए, अगर खुली हवा में सांस लेने के लिए भी किसी से परमिशन लेनी पड़े, उस दिन की इंतजार कर रहे थे हम लोग? एक बार जो लोग पढ़े लिखे लोग, बताओ अगर संविधान हटा दिया जाए क्या होगा?
आपकी। और तुम्हें लगता है कि संविधान की रक्षा कोई और करेगा? लोकतंत्र इसलिए बना कि पावर ट्रांसफर हुई थी, लेकिन जो इस देश का गरीब समाज था उसको हक अधिकार उसके कैसे मिले? इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे नुमाइंदे बिठाए गए। और ये पुलिस के लोग हैं ना, ये प्रशासन के लोग हैं, ये आपके मालिक नहीं है, ये आपके नौकर हैं, इनको तनख्वाह मिलती है कि ये आपका काम करे, आपकी सुरक्षा करे, ये आपके मालिक नहीं है किसी वक्त। इनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आम आदमी की सुरक्षा हो और उनके अधिकार सुरक्षित रहे, कोई उनके अत्याचार ना कर पाए, कोई उनके अधिकार को छीन ना पाए। लेकिन आप लोकतंत्र की वैल्यू समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि ये नेता आपके मालिक है, आपको लगता है ये प्रशासन आपका मालिक है। अरे इस देश में जनता मालिक है और जो जनता चाहेगी वो होगा। तो मेरी माताएं मैंने बैठी हुई, देखो तुम लोग तो नौजवान बैठ भी नहीं पाए, ये देखो कितना जज्बा है। और इनकी वजह से है चंद्रशेखर। और जाओ तुमसे कहते हैं अपनी माता बहनों से, इस नाम को इस बात को याद रखना कि जहां आपके स्वाभिमान पे आंच आएगी तो चाहे कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ये बात याद रखना हिमाचल के लोगों। हम यहां किसी को सताने के लिए नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे स्वाभिमान की रक्षा, हमारे स्वाभिमान का अपमान करे, हमारे स्वाभिमान को बेइज्जत करे, या हमारी बहनों माताओं को सताए, या इस तरह की जुल्म जाति करे जो 2005 में हुई थी, तो वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये बताने के लिए मैं यहां। देखो लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होती है उनका राज होता है। और वोट पूरे देश में आपके पास क्या आपका कुछ है? अगर कुछ होता तो क्या आपके साथ 2005 होता? आपका कुछ होता तो क्या आपके साथ 2019 दिल्ली में होता? और चलो छोड़ो, आज वर्तमान पे आते हैं। ये मंच पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज हमारे किसान भाई, मजदूर भाई दिल्ली के रोडों पे, देखो दिल्ली देश की राजधानी है नहीं है, कोई किसी को राजधानी में आने से कैसे रोक सकता है? लेकिन ये हुकूमत देखे, जालिम हुकूमत, कि दिल्ली नहीं जा सकते हैं किसान, उनको रोका गया। और 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। बात इसलिए बता रहा हूं कि बिना कुर्बानी दिए कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को, बिना कुर्बानी दिए कुछ नहीं मिलेगा। उनकी हिम्मत और उनके हौसले की दाद दीजिए कि 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी थी, उफ नहीं कर रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरी सरकार एक तरफ और इस देश का भगवान, इस देश का किसान एक तरफ, और सरकार को नागो तले जो है चले चकवा रखे। देखिए ये होती है ताकत, एकता में कितनी शक्ति होती है पता है? ये होती है शक्ति। और किसान, जिन लोगों को लगता है कि किसान बर्बाद हो जाएगा तो कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। जो 10 रुपए किलो आटा जो है अभी मिलता है ना, 10-15 किलो का आटा, वो अडानी अंबानी के दुकानों से, उनके स्टोरों से 100-100 रुपए किलो मिलेगा। और आपको अगर बच्चों का पेट पालना होगा ना मेरी माँ, मेरी बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, तो उसके लिए जो है ना आपको ऐसे हाथ फैलाना पड़ेगा। रोजगार छीन लिया, कितनी नौकरी दे रही है सरकार बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नौकरी निकल रही है क्या? हमारे लोग पढ़े कि भाई पढ़ के जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर रहे हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। देखो ये जो व्यवस्था है ना जिनकी सरकार है, ये लोग करते क्या है कि एक एक करके मुर्गे देखे, मुर्गे समझते हो? तो मुर्गे जो, मुर्गे को जो है ना वो बेचता है, काटता है वो भाई, वो अपने पास एक वो अलमारी बना के रखता है, बहुत सारे मुर्गे रखता है और दाना भी गिर के रखता है। जिसको पकड़ता है वो तो फड़फड़ाता है, बाकी लोग अपना दाना चुनते रहते हैं। इन्होंने 2 अप्रैल 20 मार्च को जो आदेश दिया था एसएससी एक्ट पे, आपके यहां भी आंदोलन हुआ होगा। आप पहले आपको सताया, फिर जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को सताया, फिर सीएसपीआर एनआरसी लागू करने के लिए मुस्लिम भाइयों को सताया, और आप इस देश की जो, इस देश का बल है, इस देश का जो अन्नदाता है, इस देश की जो रीढ़ है, उस रीढ़ को कमजोर करने के लिए इन्होंने किसान को जो है बर्बाद करने का, खत्म कर देने का काम करने के लिए ये लोग ये कानून बना लाए। और जब जब जिसमें मुसीबत आई वो अकेला अकेला लड़ा, लेकिन मैंने जिम्मेदारी उठाई कि जब इस देश में मुसलमान भाइयों के साथ कुछ गलत हुआ था, वो कानून बना था, तो तब भी मैं दिल्ली में आंदोलन भी मैंने किया था। और आज किसानों के साथ हुआ है तो
सुगड़ा जी खड़े हमारी यहाँ की टीम भी जाती रहती, लेकिन सारे मोर्चों पे हमारे लोग किसान भाइयों के साथ जो है आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमें अपने देश से प्यार, हमने पहले भी कुर्बानी दी है और हम आगे भी कुर्बानी देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो समाज जो कौम अपनी ताकत को नहीं पहचानती उनका वजूद खत्म हो जाता है। इस देश में अगर अपने वजूद को बचाए रखना है, अपने संतों महापुरुषों गुरुओं के जो सपने थे उनको बचा के रखना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ये बता दूं आपको कि सत्ता में बाबा साहब ने कहा ना, पोर्टिंग द मास्टर की, सत्ता वो सुधारी चाबी जिससे सारे ताले खुलते हैं। आप यहां सत्ता दो हमें, और मैं पूछना चाहता हूं कि चाबी आपके हाथ में, बताओ आपको क्या चीज चाहिए, बताओ। मकान चाहिए एक कलम से, रोजगार चाहिए एक कलम से, इससे भी बेहतरीन गुरुवर चाहिए एक कलम से, सड़क चाहिए एक कलम से, बिजनेस चाहिए एक कलम से, लोन चाहिए एक कलम से, तो इतनी बड़ी ताकत होती सरकार और आप लोग पता नहीं क्या करते। देखो मैं अब आऊंगा हिमाचल और काम भी करूंगा, और मैं चाहता हूं हमारे लोग वोट की ताकत को समझे। वोट का अधिकार हमें बिकने को नहीं मिला है, वोट का अधिकार हमें क्यों मिला है, गुलामी से मुक्ति के लिए और अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए। किसानों ने बेचारों ने धोखे में आके उनकी बात को मान लिया, उनको वोट दे दी, और परिणाम क्या हुआ कि आज किसान सड़कों पे है। जितनी बार गलती करोगे उतना ही नुकसान करोगे। वोट दोधारी तलवार है, अगर दी अच्छी तरह अच्छे आदमी को तो आपका फायदा, और अगर धोखे से बुरे आदमी पे चली गई तो आपके वजूद को नुकसान हो जाएगा। तो नौजवानों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो बड़ों से ये ना सीखे कि बड़ों ने क्या किया। मैं कहता हूं वो मुझसे सिर्फ ये सीखे कि उनका भाई लड़ रहा है, उन्हें उनका साथ देना है। अब ये नौजवान हाथ को आगे बताओ कि साथ दोगे या नहीं दोगे, पहले बताओ। फोटो खींचने से नहीं आंदोलन चलते हैं, फोटो खींच। अब हमारी माता बहनों से पूछूंगा एक बार, आप साथ दोगे नहीं दोगे बताओ, दोनों हाथ उठाओ तो अभी मानूंगा। अब नीचे करो, देखो मैं जब आता हूं ना आप उससे बहुत प्यार करते हैं, मैं देखता हूं खूब फोटो खींचते हैं, लेकिन फोटो से आंदोलन नहीं चलते सर, आंदोलन चलते हैं संकल्प से, आंदोलन चलते हैं समर्पण से, और सपना देखना पड़ता है और सपनों को खुली आंखों से पूरा करना पड़ता है, बंद आंखों से नहीं। बंद आंखों से देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते, खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। तो सपने किनके पूरे होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। किससे उड़ान होती है, हौसलों से। तो हौसले बनाओ, हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे इसमें हिमाचल में, और आने वाले कल में हम यहाँ एक बड़ी शक्ति बन के जो है बताएंगे कि हम कौन है और हमारे अंदर कितनी क्षमता है। और अगर आप ये क्षमता नहीं दिखा पाओगे तो फिर आप हमेशा झंडा उठाओ बन रहे हो, झंडा उठाओ किसका भला कर सकते हो बताओ। तो मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से कमेटी का, और मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग यहाँ पहुंचे, मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने इस गुरु घर को, हमारे मान को सम्मान को बचाने के लिए जेल काटी, कुर्बानियां दी, लाठियां खाई, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला कल जो है युवाओं से चीख चीख कर कह रहा है उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी मुठिया से भीज लो, ताकत बनो और अपनी ताकत से इस देश में राज करो। और अगर तुम लोग राज करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो अयोग्य लोग आपके शासन करेंगे, चाय बेचने वाले सरकार चलाएंगे, और जब चाय बेचने वाले सरकार चलाएंगे तो देश चुपचाप होकर बिक जाएगा। हमें ये मुल्क हमारा, हमें इसको बिकने नहीं देना है भाई। देखो मैं सरकारों को इसलिए नहीं ज्यादा कह रहा हूं, सरकार को अपनी अपनी नीति पे वो अपना काम करते रहेंगे, तुम क्या करोगे ये तुम्हें फैसला है ना। कब तक छिपोगे और किस किस चीज से छिपोगे, नहीं छिपना। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 धार्मिक आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ है आपके पास। भारतीय संविधान को पढ़ो, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो और खड़े जाओ। आने वाला कल तुम्हारा चीख चीख के पुकार रहा है कि चलो पहले हिमाचल की तरफ, और हिमाचल से रुख करेंगे दिल्ली की तरफ, और देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कैसे पूरा नहीं हुआ। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हुआ तो हमारे नौजवान होने पर या हमारे जो अधिकार हमें मिले हैं उनके होने पर गर्व नहीं करना चाहिए।